महंगाई व जीएसटी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर किए जा रहे प्रहारों पर भाजपा ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जहां केंद्र सरकार का जीएसटी में प्रदान की गई राहत के लिए आभार जताया है, वहीं प्रदेश में सरकार द्वारा अंतिम समय में की जा रही घोषणाओं पर उन्हें घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री ने हमीरपुर के सर्किट हाउस में बातचीत के दौरान कहा कि अंतिम समय में किए जाने वाला दान पुण्य न तो देवता स्वीकार करते हैं और अंतिम समय में की जा रही घोषणाएं भी जनता को स्वीकार नहीं है। धूमल ने जीएसटी में राहत प्रदान करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्र सरकार का आभार जताया। धूमल ने कहा कि कुछ आइटम में राहत दिए जाने से अब छोटे व्यापारी भी खुश हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी में अब कुछ समस्या प्रदेश सरकार के कारण बनी है, जिस कारण लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेश में सत्ता में आने पर इन पर भी राहत प्रदान की जाएगी। भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का जीएसटी में जो राहत छोटे दुकानदार को दी है, व्यापारी वर्ग को दी है और अंततः उपभोक्ता को जो लाभ मिलेगा उसके लिए धन्यवाद करने के लिए मैंने कहा। पिछले दिनों हमारे प्रदेश के व्यापार प्रकोष्ठ के नेताओं की बैठक हमारे साथ हुई थी, उन्होंने अपनी समस्याओं का जिक्र किया था। उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हर महीने रिटर्न भरना, 10-10 दिन का हिसाब रखना। हम धन्यवादी हैं, अब 1.5 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाले को मासिक नहीं अपितु त्रैमासिक रिटर्न भरनी होगी, इससे उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी और व्यापारी वर्ग इससे प्रसन्न है। दूसरा, 22 वस्तुओं पर और 5 सेवाओं पर जीएसटी का दर कम कर दिया गया है, इससे भी उपभोक्ता को राहत मिलेगी। तीसरे, कंपोजिशन की जो लिमिट पहले 25 लाख रुपए थी वो बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी है। अधिकतर जो मांगे व्यापार प्रकोष्ठ के माध्यम से व्यापारी वर्ग की हमारे पास आई थी और जिनका निवेदन हमने केंद्रीय नेतृत्व से किया था, उनका समाधान हुआ है। कुछ समस्याएं प्रदेश सरकार के कारण हैं। मुझे बताया गया कि उत्तराखंड में एग्जेम्पशन की लिमिट 20 लाख है जबकि हिमाचल में 10 लाख है। हमने कहा यह प्रदेश सरकार का करने का निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता आने पर तुरंत इसमें राहत देगी और समुचित कार्रवाई करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि मंडी रैली से ये तय हो गया है कि लोगों ने कांग्रेस सरकार की झूठी घोषणाओं को रिजेक्ट कर दिया है और सिद्ध कर दिया है कि अंतिम समय में किए जाने वाला दान पुण्य ना तो देवता स्वीकार करते हैं और अंतिम समय में की गई घोषणाएं भी जनता स्वीकार नहीं कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कांग्रेस की मंडी विकास रैली में जनता ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। मंडी की रैली में लोगों ने एक आईना प्रदेश सरकार को दिखाया है, जो झूठी घोषणाएं बिना बजट के प्रावधान के, बिना डीपीआर के शिलान्यास हुए हैं उनका स्वीकार कर दिया और बता दिया है कि अंतिम समय में किया गया दान पुण्य ना देवता स्वीकार करते हैं और अंतिम समय की घोषणाएं प्रदेश की जनता भी स्वीकार नहीं करती। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज राहुल गांधी जी ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को गुजरात से बढ़िया बताया है। राहुल जी को शायद मॉडल पसंद होगा। वैसे भी तुलना 70 लाख के प्रदेश की 7 करोड़ के गुजरात के साथ कर रहे थे, जो अपने आप में बहुत औचित्यपूर्ण नहीं लगता, लेकिन हिमाचल के लोगों ने बता दिया मंडी के पड्डल मैदान में कि वो देवभूमि को अपराध भूमि नहीं बनने देंगे और शीघ्रातिशीघ्र कांग्रेस को उखाड़ कर कमल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे।